हरियाणा के पानीपत में एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां दो विवाहितों के साथ बर्बरता का एक भयावह चेहरा देखने को मिला है। आरोप है कि इन पीड़ित महिलाओं के साथ उनके पतियों ने ही बर्बरता को अंजाम दिया है। घटना पानीपत जिले की एक कॉलोनी की है। पीड़ित महिला के भाई ने बताया कि दरिंदे का रूप धारण कर चुके पतियों ने महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पर भी गंभीर चोट मारी है। वहीं अगर दोनों भाइयों की बात करें तो उन्होंने बताया कि यह आरोप झूठे हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उनके साथ ही मारपीट की गई। उनके मां बाप को भी घर से बाहर निकाल दिया गया। पत्नियों का भाई और उसकी बहन पुलिस में कार्यरत है, जिसके कारण दोनों पुलिस का रोब दिखाते हुए हमेशा उनके साथ दुर्व्यवहार व पिटाई करती रही। फिलहाल मामला पुलिस के पास है, जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है। पानीपत के नागरिक अस्पताल के कंपाउंड में बच्चों के साथ पहुंची दोनों महिलाओं ने अपने पतियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़िताएं मूल रूप से जिले के एक नोहरा गांव की रहने वाली हैं। दोनों बहनें हैं जिनकी शादी गोयला खुर्द में दो सगे भाइयों के साथ हुई। अब यह दोनों अपने पतियों के साथ कई सालों से पानीपत दो नहरों के बीच बनी कॉलोनी में रहती हैं। आरोप है कि घरेलू कलह के चलते दोनों महिलाओं के पतियों ने उनके साथ मारपीट की। पीड़िताओं के परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने महिलाओं का कमरा बंद करके मारा है और बदमाश बुलाए जाने से के आरोप भी हैं। फिलहाल दोनों महिलाओं को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी तरफ ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पीड़ित महिलाओं की बड़ी बहन व छोटा भाई हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। बड़ी बहन की तैनाती करनाल जिले में है और छोटे भाई की तैनाती सोनीपत जिले में है। परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। पानीपत से संवाददाता प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। हाँ, दो भाई है वो और दोनों रजिस्टर के शादी उनकी हो रही है। तो आज सुबह जैसे उन्होंने कल दो तीन दिन हो गए वैसे तो लड़ाई करते हुए, फिर सिस्टर का फ़ोन भी आया था कि भाई लड़ाई हो रही है, मारे घर ये वो। तो मैंने समझा दिया भाई कोई बात, छोटी मोटी बात है, चलती रहती है। तो फिर उन्होंने मतलब तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आज दिन में अब शाम के टाइम सारा ने घर वालों ने मिल के एक बजे से और चार बजे तक लगभग कमरे में बंद करके बच्चे बेच के सारों को और दोनों बहनों को मेरे नीचे मतलब पीट पीट के, जो उनका हाल नहीं कर सकते ना वो हाल किया उनका, मतलब जितना वो मार सकते ना सारे मिलके इतना मारा उन्होंने, नीचे बच्चे बेच दिए सारे कि कोई चीख पुकार ना सुन सके, और जितना उन पर मारा गया ना वो उतना मारा उन्होंने भाई साहब। उन्होंने डंडे मतलब अपनी मतलब जितने उनसे लगे गए ना, जहाँ लगे गए उन पर डंडे, प्राइवेट पार्ट पे या कहीं जहाँ भी इनको यहाँ पे जैसे गोड्डे से ऊपर के यहाँ के हिस्सों में मतलब पूरे लट बजाए उन्होंने, जितने ये जो उंगली के पोरे होते हैं ना इनके आगे करके बोली नाक रगड़ पहले नाक रगड़ गलती मान, ये पोरे मार 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 ये जो उंगली के पोरे होते हैं इन पर यहाँ तक लट मार रखे उन्होंने। क्या कारण है क्यों घर के बस घर तक ककड़े अपनी वो मर्दानगी दिखाने के लिए, और कोई बड़ी बात कुछ भी नहीं। पुलिस ले गए असन चौकी से हम, तो वहाँ जाके हमने बोला भाई सिस्टर को भेज दो, तब तो भी उन्होंने मतलब एक स्कॉर्पियो पर रखी थी, बाहर खड़ी कर रखी थी स्कॉर्पियो बदमाशों की पूरी, और उसमें मेरा मौसा बैठा था जो ओम प्रकाश है वो बैठा था अगली साइड काले शीशे स्कॉर्पियो के, और पुलिस के सामने उन्होंने हमारे साथ जो बदतमीजी कर सकते ना वो उन्होंने की है पूरी। हाँ सर, मैं पुलिस में हूँ, सोनीपत पुलिस में हूँ, मैं सिपाही हूँ, और फैमिली मेम्बर भी पुलिस में। हाँ, बड़ी बहन है सब इंस्पेक्टर है करनाल। सर मैं तो ये चाहता हूँ कि बस मेरी बहनों के साथ जो हुआ हमें बस न्याय मिलता है। हमारे साथ करते हैं ना, खाना टाइम पे देते और सारी हरियाणा हमको मारती है, और ये देखो ये आज भी मेरे साथ उसने मारा है, और अपना झूठा वो करके मार को मारते हैं, ये है वो है, सब कुछ झूठ बोलती है। उसकी बहन है जो वो थाने में है वहाँ पे करनाल, उसके रोग दिखाती है, अपने भाई का दिखाती है, अब तुमको अंदर करवा देंगे, तुमको जेल की रोटी खिला देंगे, ये है वो है, और झूठ अपने आप झूठ झूठ बोल के हमको मारती रहती है। कल भी मारा हमको, परसों मारा, आज फिर सुबह ये मारा। कहाँ दे सर हम कम्प्लेट है, इज्जतदार आदमी कहाँ देगा कम्प्लेट, इज्जतदार आदमी कहाँ देगा कम्प्लेट, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में हम तो इज्जत बजे पर वो समझती तो नहीं है बात, उन्होंने हमारी ऐसी कर रखी है। जी मैं घरेलू कलह की वजह से परेशान हूँ, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों की बीवियाँ हैं, उन्होंने हमारे माँ बाप को बाहर निकाल दिया है, हमें एक महीने से इतना तंग किया हुआ है, उन्होंने हमारे माँ बाप को एक महीने से निकाल दिया है, पीटती हैं, हमें मारा है, आज ये यहाँ पे पूरा
यहाँ पे मारा हुआ है, और ये यहाँ पे भाई को भी मारा हुआ, मेरे को यहाँ मारा हुआ है, यहाँ पे एक डंडा मार रखा है मेरे, और बुरी तरह धमकी देती हैं। उनका भाई पुलिस में है, उसकी धमकी देती है, हमारा भाई पुलिस में है, उनकी बहन है वो भी बड़ी पोस्ट पे है पुलिस में है, उसका पति भी पुलिस में है, बहुत तंग किया हुआ हमें। ये झूठ है, अफवाह है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आठ साल हो गए हमारी शादी को, आठ साल में तो हमने कभी कुछ नहीं कहा उनको, ना कभी हमने कुछ किया। झगड़ा किस वजह से होता है, क्या कारण है? झगड़ा जी अपनी चलाती हैं हर चीज़ में, आने के लिए जाने के लिए हर जगह जी, मतलब कुछ भी हो ना खाना देती है, और दो दिन से रोटी नहीं खाई जी उनके, अगर आज कहा कि भाई रोटी खिला दो, रोटी बना दो, तो फिर झगड़ा कर दिया हमारे साथ, हमको पकड़ लिया, मारने लगी। पूरे परिवार के साथ इकट्ठा होकर बंद कमरे में करके उनको मारपीट, बहुत बुरी तरह से मारपीट किया? नहीं नहीं जी, हमारा परिवार तो है ही नहीं इतने दिन से, हमारा परिवार तो यहाँ पे है ही नहीं, हम दोनों भाई थे बस, हम दोनों भाई उनसे बात करते हैं, बात बात पे कभी हाथ जोड़ते, कभी पैर की, हमारे साथ क्लेश ना करो, हमारे माँ बाप के साथ ना करो, लेकिन मानती नहीं, बात बात पे धमकी देती हैं। कल रात भी कह रही थी कि है ना तुम्हें जेल में पहुँचवा देंगे हम, और वो ही कर रही हैं अब भी, हमारे भाई और पुलिस में है, तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ तक हमारी पहुँच है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.